तमाम ऐसे नौजवान साथी जो अभी आईआईटी का एग्जाम और जेई का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम का डेट निकल चुका है 1 सितंबर तक, तो ऐसे परिस्थिति में जो देश भर के लगभग 14 से 15 लाख छात्र छात्राएं इस एग्जाम को देने के लिए अपने घर से सुदूर इलाकों तक पहुंचेंगे, जहां पहुंचने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जब सरकार और जो सरकार की जो व्यवस्था है, लॉकडाउन किया गया है, तालाबंदी की गई है, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि वो जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रेल की जो यातायात है बाधित है, जो सड़कों पर बसें हैं या जो छोटी सुविधाएं हैं वो सब बंद पड़ा है। छात्र परीक्षा देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, वहां पर भी काफी परेशानी है कि कैसे ठहरेंगे, जो फिजिकल डिस्टेंस का मामला है। तो ऐसे में जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, इनका एग्जाम देने वाले, उन सब की पढ़ने को लेकर कल सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष संदीप पांडे जी के साथ और कई एक छात्र जो छात्र सभा के नौजवान साथी हैं उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता में छात्र ने अपने जो है दुख व्यक्त किया कि हम ऐसी स्थिति में कैसे जाएं, और उनके सुझाव भी आए, सलाह भी आए कि जितना विद्यार्थी आवेदन करते हैं उतना ही सीट वो वैकेंट है हर एक इंस्टीट्यूट में, तो क्यों नहीं सीधे सीधे उन सब की जो है एडमिशन ले लिया जाए सीधा, और उसका बहुत अच्छा सरल उपाय आदरणीय संदीप पांडे जी ने बताया कि हर एक टीचर जो है उनके हिस्से में 50-55 टीचर स्टूडेंट्स आएंगे और उनका वो ले सकते हैं इंटरव्यू 10 दिन के अंदर, सबका इंटरव्यू लेकर के और सीधा सीधा उनका एडमिशन ले लिया जाए, और 1 साल तक उनको पढ़ाने के बाद फिर जो छात्र की जैसा अंक होगा या छात्र चाहे वो फैकल्टी चेंज करने के लिए तो चेंज कर ले और उनको ये सुविधा उपलब्ध कराए, तो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा एक ये आया था कि हम उनका 1 साल का जो है वो उनका डेट बढ़ा दिया जाए सेवा में जाने के लिए, एडमिशन के लिए, अटेम्प्ट के लिए। तीसरा ये है कि ऐसे में जो छात्र छात्रा हैं वो उनका और उनके परिवार वाले भी लोग परेशान हो जाएंगे, और छात्र हैं इस लॉकडाउन में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और जो कॉपी किताब की भी दुकानें हैं, कलमों की दुकानें हैं, बहुत सारे स्टेशनरी का दुकान वो बंद रहा, तो उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाया, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, तो ऐसे में एक तरफ कोरोना की जो महामारी है उसको दिखाया जा रहा है, दूसरे तरफ एग्जाम के लिए भी ये डेट निकाल करके छात्रों को अभी तक अभी से ही एक मानसिक तनाव दे दिया है। ऐसे में कैसे छात्र एग्जाम देंगे या एग्जाम स्थल पर पहुंचेंगे, तो हम इनका कड़ा विरोध करते हैं, जैसा कि छात्रों ने भी कहा है कि हम इसका अपोज करेंगे, हम विरोध करेंगे। तो एक अपील भी यहाँ से हम लोग जारी करना चाहते हैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भी, और देश के तमाम ऐसे नौजवान जो सही में छात्रों के हित में बात करना चाहते हैं, छात्रों की सुविधा की बात करते हैं, तो उनसे भी अपील करते हैं कि आप बिहार में भी अभी चुनावी होना है और बहुत सारे छात्र बिहार से भी परीक्षा देने के लिए बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी जाएंगे, तो उनको विरोध करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि आप इस एग्जाम को कैंसिल करें, अन्यथा हम जो है आपका जो वोट का भी बहिष्कार करेंगे और आपके का जो वोट है उसको हम खारिज करेंगे आपके चुनाव में। तो आप इस अपील के साथ, मैं भी इस अपील के साथ हूँ और सोशलिस्ट पार्टी इस अपील के साथ है छात्र हित में, छात्रों के सुविधा के लिए कि ये एग्जाम्स के डेट बढ़ाए जाए और जो छात्रों का मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, और जो सुझाव सलाह आया है वो बेहतर सुझाव सलाह आया है, सरकार इसको इनके जो विशेषज्ञ है और उनके साथ वार्ता भी करे।